बिजली पड़ी थी जी ऊपर, तो उधर छत पे तो पड़ी, सारा सौदा बल गया। ये जो बिजली का जो भी सामान था, जितना भी ए टू जेड सामान था, सब लैंटर पैट गया। वो तड़े बच्चे थे, उनका बचाव हो गया जी, बस ये खैर से। मेरा इन्वर्टर बैटरी और ऊपर जो मकान में लैंटर के अंदर दो पाइप जो थे बीम, वे तड़के हैं और पत्थर पाटे हैं। तो हंसी से आ रही है अब तक की सबसे बड़ी खबर। गांव पुट्ठी मंगलका में सुबह आसमानी बिजली गिरने से कई घरों में भारी नुकसान होने की खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिजली के उपकरण जल गए हैं, फिटिंग जो बिजली की थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। इतना नहीं, बिजली के जो भी उपकरण थे, चाहे पंखे, फ्रिज, कूलर और एलसीडी, बिजली की मोटर और इन्वर्टर बैटरी, सब जल कर राख हो चुकी है। मोबाइल फोन भी डैमेज हो चुके हैं। इतना नहीं, दीवारों में भी तरेड़ आ चुकी है, लेंटरों में भी तरेड़ आ चुकी है। ये तस्वीर आपको गांव पुट्ठी मंगलका से दिखाई जा रही है। आपको यह बता दें कि पुलिस गांव में मौके पर पहुंच चुकी है। इतना नहीं, जब सुबह आसमानी बिजली गिरी, उस समय लोग घरों से बाहर आ गए, लोगों में दहशत सी फैल गई। इतना नहीं, आपको यह भी बता दें कि लोगों ने साफ तौर पर बताया कि उनके घरों में जो भी बिजली के उपकरण थे, सब जल गए हैं। इतना नहीं, बिजली की मोटरें थी वो भी जल गई है, बैटरी वगैरह, इन्वर्टर वगैरह, पंखे वगैरह, काफ़ी नुकसान हुआ है। लाखों रुपये नुकसान की खबर आ रही है गांव पुट्ठी मंगलका से, और लोगों में इस बात को लेकर दहशत सुबह फैल गई कि आखिर बिजली गिरी है, आसमानी बिजली गिरी है। इससे कोई अभी लग जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। अपने अंदर बैठ जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमें हांसी के समीप गांव पुट्ठी मंगलका में, और यहां से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि आसमानी बिजली गिरी है, भारी नुकसान हुआ है गांव में, काफी घरों में। आखिर क्या हुआ उसको लेकर जो ग्रामीण है हमारे साथ काफी संख्या में जुड़ चुके हैं, और कितना नुकसान हुआ है अभी इसका अंदाजा नहीं लग पाया, लेकिन क्या क्या जल चुका है, कहाँ तरेड़ आई है। आपको पहले दिखाते हैं, लेंटर में तरेड़ भी आई है, बिल्कुल पूरी तरह से दिखा रहे हैं आपको पूरी तरह से। ये लेंटर में जो तरेड़ आई है उसके हिस्से की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है पूरी तरह से, और ग्रामीण जो हमारे साथ जुड़े उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। हाँ जी, और ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया। क्या बता दे क्या था, कैसे की बिजली गिरी? बिजली पड़ी थी जी ऊपर, तो उधर छत पे तो पड़ी, सारा सौदा बढ़ गया। ये जो बिजली का जो भी सामान था, जितना भी ए टू जेड सामान था, सब लैंटर पैट गया। वो तड़े बच्चे थे, उनका बचाव हो गया जी, बस ये खैर से जी। तो जिस समय बिजली गिरी, उस समय किस प्रकार का माहौल था नजर आया? धुआं धुआं उठी सारे झुंड में, सारे मकान में धुआं, तार बढ़ गए। जब बिजली गिरी क्या उस समय बारिश आ रही थी? नहीं, बारिश कम थी, सूखी, बाद में बूंदाबांदी। बाद में बिजली गिरी थी। हाँ जी। टाइम क्या था? 11:55 का टाइम होगा जी। क्या क्या नुकसान हुआ है?
नुकसान जी, इन्वर्टर बैटरी सब, एक मिनट, मोबाइल इन्वर्टर बैटरी जितना भी बिजली का फिटिंग का सामान था, जो भी सामान था, मोटर मोटर सब बढ़ गई जी, सब सब सारे देख सकते। तो कितने मकान में नुकसान हुआ है? 1.5 लाख तक ऊपर ऊपर का मकान बता दो कितने मकान में। वो तो बहुत मकान ना मजी, वो तो बेरा पटेगा जी, एक मिनट सुनो यार, अरे सुनो तो, वो जो गांव चेक करेगा ना अपने अपने घर में जाके ना, बैटरी इन्वर्टर कई की रिपोर्ट आ गई भी मारा बढ़ गया, मारा बढ़ गया, लेकिन पूरी गिनती को नहीं उसकी भी, इतने बढ़ गए जी, 50-40 घर के अड़ोस पड़ोस में भी बैटरी इन्वर्टर ये टीवी बड़े से जी, ये जब बिजली गिरी के किसी प्रकार के मकान पे भी कोई इफेक्ट पड़ा है? हाँ जी भाई, ये इसमें पड़ा ये पट्टा है, लेंटर पट्टा है, ये पट्टा है मेरे खुद के मकान में पड़ा है, और हाँ मेरे पूरा 18 फार्म का पड़ा। तो क्या जुड़े आपका? मेरा इन्वर्टर बैटरी और ऊपर जो मकान में लेंटर में लेंटर के अंदर दो पाइप जो थे बीम वे तड़के हैं और पत्थर पाटे हैं। तो करीब कितने मकान? काफी संख्या में मकान, लगभग सैकड़ों से कम से कम 100 इन्वर्टर बैटरी सैकड़ों बढ़ दीजिए। पुट्ठी मंगल खास से खबर आ रही है, काफी मकानों में नुकसान की खबर आ रही है, जो बिजली गिरी, आसमानी बिजली गिरने से इन्वर्टर बैटरी मशीन चार्जर मोबाइल यहां तक की फिटिंग तक भी जल गई है। इसमें आपको एक हिस्से की फिटिंग जो हमारे सामने नजर आ रही है वो दिखा रहे हैं, किस प्रकार बिजली गिरी, उसके बाद ये सौदा नीचे आया, बिल्कुल पूरी तरह से दिखा रहे हैं आपको, नीचे की तरफ आया और ऊपर की साइड भी त्रेड़ आई है और दीवार गिर गई है साइड से। और ये दिखा रहे समय माहौल, गांव के लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो चुके हैं, हर गांव में यानी घर जो घर के साथ एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जल चुका है, किसी की बैटरी जली है, किसी का इन्वर्टर जला है, किसी की फिटिंग जली है, किसी भी के मोबाइल जल चुके हैं काफ़ी संख्या में, लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी दिख रहा है कि दहशत देखी गई है लोगों में। और जिस समय यह हादसा हुआ बिजली गिरी, लोगों में किस प्रकार का खौफ दिखा? वो बहने भाग भाग के बाहर निकले हैं सभी, किधर पड़ी ये लग रहा था लगभग ट्रांसफार्मर गिरी है जी, यहाँ से धुमा उठ रहा भाग भाग कर देखा तो पता लग गया धुमा इधर ज्यादा है उधर भागे। फिर तो आपने प्रशासन को कोई सूचना दी? नहीं, अभी तक किसी को नहीं दिया गया था, उस टाइम किसी को पता ही नहीं था कि क्या करें, जान माल की संभाल लगभग वे संभाल मुड़ी कर रहे थे, माल का जान सबकी बच गई, किसी को जान सबकी बच गई, माल की बच गई, जान बच गई। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो क्या बताओ जी, कम से कम 100 बैटरियां तो आराम से जड़ी है। सर ऐसा है, अभी तो हमारे केवल हमारे घर का अंदाजा लगा कि भाई जितनी भी लाइट के इंस्ट्रूमेंट है वो सारे के सारे डैमेज हो चुके हैं, और अड़ोस पड़ोस से भी खबर आ रही है कि भाई हमारा टीवी नहीं चल रहा, हमारी जो एलईडी है वो जल गई, हमारा जितना सामान है लगभग बिजली का वो टोटली का टोटली यानी कि डैमेज हो चुका है। तो सर क्या नाम आपका? सुभाष चंद्र जी। तो आपको लोगों ने बताया कि हमारे भी जल गया है? कुछ ना कुछ लोग बता रहे हैं। हाँ, अड़ोस पड़ोस के आ रहे हैं अभी, जैसे कोई कह रहा है कि भाई हमारा टीवी नहीं चल रहा, हमारी जो बाहर की लाइट थी वो जल गई, भाई हमारे मतलब हाँ करतल है जो यहाँ से ये बिजली जब पड़ी करतल तक ईटे तक पड़ोस में जाके पड़ी। ये फोन दिखा रहे हैं पूरी तरह से जल चुके हैं, खत्म हो गए हैं, खत्म हो गए, ये फोन बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं बिजली गिरने से। ये तो जो भी टेक्निकल या बिजली वाला आएगा वो सारा चेक करके वही अंदाजा लगा सकता है जी भाई इसके अंदर कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ऑल ओवर यही है कि नुकसान लगभग बिजली के जितने उपकरण हैं वो सारे के सारे डैमेज हो चुके हैं, जल चुके हैं। नहीं जी, हमारे घर के जी केवल इसी से, हाँ लेंटर के अंदर है, छत के अंदर है, इसके अंदर तरेड़ आई हुई है, एक दो जगह तो ईटे भी फटी हुई है, ऊपर से आपको पता है कि एक गड्ढा सा भी बन चुका है लेंटर में। नहीं जी, आस पास में तो बेच सकते हैं, बाकी गांव के अंदर तो आज हमने अपनी एज में तो आज पहली बार सुना है, बाकी वैसे खेतों में 2-3 मतलब डेथ तो हो चुकी है बिजली पड़ के पहले, इससे पहले। हाँ उड़िया, तो क्या क्या चला आपके मकान में? दो पंखे और एक इन्वर्टर। दो पंखे इन्वर्टर, तो आपको कब पता चला? 10-15 मिनट बाहर निकल के देखा तब, फिर बिजली वाले को बुलाया, फिर उसने चेक किया तब उसने बताया कि दोनों पंखे चल चुके हैं और इन्वर्टर।